बात्या मिग्जोम लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही। आगामी दुई घंटा भितर स्थल भाग अतिक्रम कर भीषण बात्या। आंध्र उपकूल बाप्टोलारे माड़ हेब मिग्जोम। स्थलभाग छुईमा समय घंटा प्रति पवन बेग 90-100 किलोमीटर रही। सर्वाधिक 110 किलोमीटर पर्यंत जापे पवन झटका। लैंडफॉल समय आंध्र उपकूल में उठिपे 1.5 मीटर पर्यंत ज्वार। समुद्र अशांत रोथिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवापै बारण करा जाइछि। आज मध्यरात्रि सुधा दुर्बल हो गभीर अवपात रे परिणत हेबो बात्या। ते बात्या मिग्जोम रो लैंडफॉल प्रक्रिया एबे जारी रहिछि। आगामी दुई घंटा भितर यह स्थलभाग अतिक्रम करिबो। आंध्र उपकूल बाप्टोलारे माड़ हेबो बात्या मिग्जोम। तेब स्थलभाग छुईवा समय घंटा प्रति ए पवन बेग 90-100 किलोमीटर रहिबो। सर्वाधिक 110 किलोमीटर पर्यंत जापे यही पवन झटका। तेब लैंडफॉल समय आंध्र उपकूल उठिपे 1.5 मीटर पर्यंत जुआर। समुद्र अशांत रोथिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवापाई मध्य बारण करा जाइछि। तेब आज मध्यरात्रि सुधा दुर्बल हो गभीर अवपात रे परिणत हेब बात्या मिग्जोम। तेबे एबे बात्यार लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रहितबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरो सूचना दिया जाइछि। तेबे आंध्र उपकूल रे माड़ हेब एही बात्या मिग्जोम। आगामी दुई घंटा मध्यरे आंध्रर बाप्टोलारे माड़ हेब बात्या। तेबे लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो सारिछि। पवन बेग रहिछि एबे 90-100 किलोमीटर एवं 110 किलोमीटर पर्यंत मध्य जापे। तेबे पाणीपाग विभाग पक्षर जहाँ सूचना दि जाऊँगी जे बात्या मिग्जोम एबे लैंडफॉल करुछि। जो लैंडफॉल रो प्रक्रिया थाए ता दुई घंटा रु अधिक समय लागिपे, किंतु यही जो मिग्जोम टी लैंडफॉल करुछि दुई घंटा पर्यंत तार प्रक्रिया जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। जो भीषण चक्रवात जिसका नाम है मिग्जोम, आज 11:30 बजे आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास प्रकाशम जिले की ओनगोल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे उत्तर की दिशा में गति कर रहे हैं। अगले दो घंटे में आंध्र प्रदेश कोस्ट को बापाटला के आसपास हिट करेगा। इसका विंड स्पीड 90-100 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है।